हरियाणा का नूंह जिला इन दिनों खबरों का केंद्र बना हुआ है। नूंह हिंसा के बाद अब जिले के गांगोली गांव में युवक समेत 3 बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। नूंह के गांगोली में हुई इन हत्याओं के लिए युवक की पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल पत्नी फरार हो गई है। दरअसल बीती रात को परिजनों ने देखा तो युवक को फंदे पर लटका पाया, साथ ही तीनों बच्चों को जहर देने की बात भी सामने आई है। वहीं पत्नी वारदात के बाद से ही घर से फरार हो गई है। सुबह जब पुलिस को मामले की सूचना मिली तो रोजका मेव थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर नूंह के CHC पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम और मामले की जांच में जुटी है। मृतकों में युवक का नाम जीत सिंह उर्फ जीतन, जिसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है, बेटा खिलाड़ी उम्र 12 साल, बेटी राधिका जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है और सबसे छोटा बेटा प्रियांशु जिसकी उम्र महज 7 साल की थी। इसके अलावा फरार हुई पत्नी का नाम मीना बताया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार महिला के चरित्र पर भी उंगलियां उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के अक्सर झगड़े हुआ करते थे और पत्नी कई कई दिनों तक घर से गायब तक रहती थी, जिसके चलते परिजनों को उसके चरित्र पर शक था। वहीं इस बारे में महिला के मायके को भी बताया गया था, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नाराज पत्नी ने अपने पति को फंदे पर लटका दिया। बहरहाल पुलिस अभी सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए जांच में जुट गई है। DSP जितेंद्र राणा गांव में मौके पर पहुंचे और कहा कि परिजनों द्वारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। इसमें एक व्यक्ति है और 3 बच्चे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं घर वालों से, वो बता रहे हैं, अपनी कंप्लेंट देंगे, उसके दौरान हम एक्शन ले लेंगे, जो भी कार्रवाई बढ़ती होगी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सर बताया जा रहा है कि जो महिला है उसने इन बच्चों को मतलब इस तरह के जहर बात सामने आ रही है। अभी जो बातें सामने आ रही हैं क्लियरिटी हो जाएगी, जब भी जो बात पता चलेगा वो हम फाइल पे लेकर आएंगे। एकाएक हुई परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद परिवार जनों के पैर तले जमीन खिसक गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि मामले में क्या निकल कर आता है।